केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर शुक्रवार को हुए विमान हादसे में दो पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसे पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने कहा है कि कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी। डीजीसीए के चेयरमैन अरुण कुमार ने कहा कि कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे और सेफ्टी एरिया को सुधारने के लिए कहा गया था। अरुण कुमार ने यह भी कहा कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान के ब्लैक बॉक्स को जाँच पड़ताल के लिए डीजीसीए के लैब में लाया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैंगलोर में जो क्रैश हुआ था उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी और उन्होंने कुछ जो टेबल टॉप रनवे हैं, टेबल टॉप रनवे जो हैं हिंदुस्तान में कुल 5 हैं, तो ये टेबल टॉप जो 5 रनवे हैं इनके बारे में एक कंसर्न दिया गया था और इनकी लेंथ वगैरह के बारे में बात की गई थी। तो उसमें जो पर्टिकुलर इस रनवे की बात हुई थी कालीकट की, उसमें ये था कि कालीकट रनवे की जो पेमेंट स्ट्रेंथ जो होती है, पेमेंट जो मतलब जिस पर लैंड करता है उसकी शक्ति कम है, उसकी मजबूतीकरण की जाए, उसको मजबूत किया जाए, एक बात तो ये थी। दूसरा था कि जो इनका रनवे एंड सेफ्टी एरिया है वो छोटा है, उसको बड़ा किया जाए। तो पहले तो जो पहला ये 2016 की बात है। तो केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर शुक्रवार को हुए विमान हादसे में दो पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी और अब डीजीसीए का यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का इस पर बयान आया है, जिस पर डीजीसीए ने कहा है कि कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी। पहले ही ये बताया गया था कि रनवे का एरिया सुधारने के लिए कहा गया था और अब ये हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें दो पायलट भी शामिल थे। आपको बता दें शुक्रवार को विमान हादसा हुआ था कोझिकोड एयरपोर्ट पर जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें दो पायलट शामिल थे और अब इसको लेकर डीजीसीए का बयान जो सामने आया है, जिससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या डीजीसीए की चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया। आपको बता दें रनवे को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की गई थी, उसमें सुधार करने के लिए डीजीसीए की तरफ से पहले ही कहा गया था। अब दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स डीजीसीए की लैब में लाया गया है और जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, तो डीजीसीए कह रहा है कि उन्होंने चेतावनी दी थी रनवे को लेकर, क्या वाकई उसे नज़रअंदाज किया गया और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? अगर ये नहीं होता तो शायद ये हादसा होने से बचाया जा सकता था। देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात से डीजीसीए के इत्तेफाक नहीं करता। कोई सा भी रनवे है, कोई सा भी एयरपोर्ट है, उसमें थोड़ी बहुत खामियां तो हमेशा निकलेंगी। और ये एयरपोर्ट कुछ साल पहले एक नया एयरपोर्ट बनाया गया था, पूरी तरह नया डेवलप हुआ था, बहुत सारी सुविधाएं हैं, पायलट दिन रात वहाँ से उड़ान भरते हैं, हजारों फ्लाइटें महीने की वहाँ से उड़ती रही हैं। तो रनवे को ब्लेम करना मेरे हिसाब से गलत है। अभी पूरी इंक्वायरी जो है वो सरकार ने जाँच दिखाई है, उस जाँच रिपोर्ट को आने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर अभी तक के जितने इंडिकेशंस हैं उसमें हमें मानवीय चूक को सबसे पहले ध्यान देना होगा। वेदर एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जरूर रहा है, पर आप इस हादसे को किसी भी तरह से रनवे पे जिम्मेदारी आप इसकी या एयरपोर्ट पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। और इसकी इससे पहले कि हम कोई प्रयास लगाए, हमको इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जी हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।